एक बड़ी खबर इस वक्त पंजाब से आ रही है। ऑर्बिट कंपनी की बसें पंजाब में अब सड़कों पर नहीं चलेंगी। मतलब ये कि बादल परिवार पर मोगा कांड का असर अब साफ दिखने लगा है। डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने यह आदेश जारी किया है कि ऑर्बिट कंपनी की बसें अब पंजाब की सड़कों पर नहीं चलेंगी। लेकिन क्या ये काफी है? क्या इन बसों के परमिट रद्द नहीं किए जाने चाहिए? लेकिन इन बसों के परमिट रद्द करे तो करे कौन, क्योंकि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की ही ये बसें हैं, इन्हीं के परिवार की ही ये बसें हैं। तो ऐसे में सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए जो लगातार विरोध हो रहा है, 20 लाख रुपए का मुआवजा बच्ची के परिवार वालों ने ठुकरा दिया है, जिस बच्ची को इस बस से फेंका गया था और ये कहा था कि परमिट रद्द होना चाहिए।